तो चलिए दोस्तों तैयार हो जाइए गणित के बेहतरीन रहस्य जानने के लिए। एकदम जबरदस्त ट्रिक आज आप लोगों के लिए मैं लाया हूं। निश्चित रूप से ये वाला जो प्लेलिस्ट है जिसका नाम है 369 अंकों का रहस्य, इस पर मैंने बोला था कि मैं 45 वीडियो बनाने वाला हूं और ये वीडियो एकदम यूनिक है। तो आज एक ऐसा ही रहस्य मैं आप लोगों के लिए लाया हूं और एकदम यूनिक ट्रिक कहा जाए, इसलिए मैंने पहले से लिख रखा है कि यहां पर हमने क्या लिखा है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, यहां पर हमने क्या लिखा है उस पर ध्यान नहीं देना है, आज मैं जो बताने वाला हूं उसको ध्यान देना है। यहां पर देखिए अंकों का रहस्य या फिर बेहतरीन ट्रिक या फिर इसको गणित का जादू कहा जाए, इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको समझ आएगा, लेकिन यहां पर मैंने इसे ही क्यों लिया है तो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे ना तो आपको समझ आएगा। हो सकता है कोई प्रतियोगी परीक्षा वाला विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा होगा ना, तो उसके लिए तो ये क्या कहा जाए कि सोने पे सुहागा कहा जाए, मतलब गागर में सागर वाला जो कथन है वो चरितार्थ होगा इस वीडियो के लिए। इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये जो संख्या दिख रहा है, निश्चित रूप से आप लोग सभी जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर यूनिक वीडियो बनाते रहता हूं और मेरे चैनल पर जो सब्सक्राइबर की संख्या है या किसी पर्टिकुलर एक वीडियो को एक मिनट में या एक घंटे में या फिर 48 घंटे में कितने लोगों ने देखा, 24 घंटों में कितने लोगों ने देखा, और ये जो संख्या है जब यूनिक आता है तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं और ये एक वीडियो का ये देखा गया संख्या ही है जिसको मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था, स्क्रीनशॉट खींच लिया था और इसको मैंने कैप्चर कर लिया फिर आपके सामने लाया। ये है क्या आखिर, इसमें देखिए मैं ये बताना चाहता हूं, इसमें एक जो है कितने बार आया है, 6 बार आया है। अब ऐसी कोई भी संख्या हो भाई, कोई भी संख्या का मतलब जैसे एक ही अंक जो है बार बार आया हो ऐसी बात कर रहा हूं, मतलब एक से लेकर 9 तक के कोई भी एक अंक को लीजिए। मान लीजिए आपने 7 को लिया तो 7 को आपको या तो 3 बार लिखना है या फिर क्या करना है 6 बार लिखना है या फिर क्या करना है उसको 9 बार लिखना है और डिवाइड करना है, कोई भी संख्या उसको डिवाइड करना है 37 से बिना कॉपी पेन के, मतलब आपको कॉपी पेन उठाना ही नहीं है और भाग देना है 37 से। तो क्या भैया आपको 37 का टेबल याद है, कितने लोगों को 37 का टेबल याद है, बिना टेबल याद करे बिना पहाड़ा याद करे ऐसे संख्याओं को हम डिवाइड करने वाले हैं 37 से। तो ऐसे शानदार वीडियो के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, शानदार ट्रिक के लिए वीडियो को पूरा देखना है। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस तो करना ही करना है और आल को टच करना बिल्कुल ही मत भूलिए। लगता है कि ये वीडियो तो एकदम यूनिक है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैंने पहले भी कह रखा है कि गणित में जो अंकों के जो रहस्य है उस पर मैं 45 वीडियो तो बनाऊंगा, लेकिन 45 पर रुकने वाला नहीं है, 45 से अधिक वीडियो बनाने वाला हूं। और ये विशेष जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है 369 अंकों का रहस्य, इस प्लेलिस्ट में जाइए और ढेर सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, है ना, उस वीडियो को देखिए, हर वीडियो में एक नया रहस्य छुपा हुआ है। तो आज के वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूं, ऐसा कोई भी अंक आपको ले लेना है, एक से लेकर 9 तक के कोई भी एक अंक को उठाइए, मान लीजिए आपने 4 को उठाया, इसको या तो 3 बार लिखिए या तो 6 बार लिखिए या तो इसको क्या करिएगा 9 बार लिखिए, 12 बार लिखिए, 15 बार लिखिए, 18 बार लिखिए, 21 बार लिखिए, है ना, इस प्रकार 3 के गुणक में जितने बार आप लिखना चाहें लिखिए और उसको भाग देना है 37 से, भाग देना है 37 से बिना कॉपी पेन के, इस वीडियो के माध्यम से आप दे पाओगे। चलिए आपके लिए सिंपल सा प्रश्न है, यदि इसको हम भाग देंगे 37 से तो भाई इसका उत्तर क्या आएगा, ना तो आपको मोबाइल का प्रयोग करना है ना किसी कैलकुलेटर का प्रयोग करना है, बिना कॉपी पेन के इसका उत्तर लिख के बताना है और मुझे कहोगे तो मैं तो इसका उत्तर तुरंत बता दूंगा, भैया इसका उत्तर आएगा 300 और 3। बस ये ट्रिक काम कैसे करेगा उसके लिए आपको क्या करना है, मैं जो बताऊंगा उसको ध्यान से सुन लेना है और आपका उत्तर आ जाएगा। अब आप कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हो, इनको डिवाइड कर दो 37 से, उत्तर तो इतना ही आएगा। अब मैं केवल इसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपको कोई भी संख्या, देखिए मैं आपको बहुत सारी संख्याओं को आपके सामने ही भाग देकर दिखा रहा हूं, देखते जाइएगा आपको आसानी से समझ भी आता जाएगा। देखिए मान ले जाए हमने कोई और संख्या लिया, मान ले जाए हमने यहां पर 3 को ही ले लिया, 3 को ले लिया, 3 3, ठीक है, हमने इसको चलो 6 बार लिख लिया या फिर इसको हमने 9 बार लिख लिया या फिर इसको हमने 12 बार लिख लिया और इसको करना है डिवाइड, करना है भाग, किससे भाग करना है 37 से। अब 37 का टेबल तो मुझे याद नहीं है भैया, और हो सकता है आपको भी याद ना हो, 37 का टेबल को याद करना चाहता नहीं है, कठिन से कठिन टेबल को कौन याद करेगा, उससे अच्छा है कि भैया हम जो वीडियो में ट्रिक बता रहे हैं उसको ध्यान से सुन लीजिए।
अब इसको मुझे डिवाइड करना है, तो याद रखना है यहां पर तीन का जोड़ा, तीन का जोड़ा, तीन का जोड़ा, तीन तीन का जोड़ा होना चाहिए, बस आपको इतना ही करना है। अब हमको पता है कि ये तीन अंकों की संख्या, ये तीन अंकों की संख्या, इन तीन अंकों की संख्या, आप एक ट्रिक जानते हैं, अगर हम 333 को भाग देते हैं 37 से, ठीक है, सॉरी यहां पर क्या करेंगे 37 से इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा उत्तर कितना आता है। इनको आप क्या करिएगा, इनको जोड़िए, तीन 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 को जोड़ दीजिए, इन अंकों को आप क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिए, तीन तीन छह और उसमें फिर तीन जोड़ेंगे तो कितना आएगा नौ, और उत्तर इसी नौ में छुपा होता है, इसी नौ में छुपा है। आपको क्या करना है, चलो आपने इस तीन को क्या कर दिया, इन सभी तीनों को जोड़ा तो आपका उत्तर कितना आ रहा है, तीन तीन छह तीन कितना आ रहा है नौ। करना क्या है, ठीक है, आपने मान लिया जाए कोई भी संख्या लिया 555 लिया, इसको डिवाइड करना है 37 से। अब ये तीन अंकों की संख्या है भाई, ठीक है, फिर तीनों अंकों को आपको जोड़ना है, एक दो और तीन, तीनों को, तीनों अंकों को हमने जोड़ा, कितना आया, एक दो तीन, पांच तीन पंद्रह आया, ये लो। चूंकि ये तीन अंकों की संख्या है, ये जो जोड़ रहे हैं वो भी तीन अंकों की संख्या होना चाहिए। अब ये तीन अंकों की संख्या तो नहीं है भैया, तो तीन अंक की, तीन अंकों की संख्या बनाने के लिए हमने सामने में जीरो लगा दिया। अब ये देखिए 015, ये तीन अंकों की संख्या बन गया है, ठीक है, और यही हमारा आंसर है, कब, जब इसको हम 37 से भाग देते, किसको, 555 को। लेकिन भाई यही 555 जो है ना, इसको हम तीन का और जोड़ा बना दे, छह बार लिखे, या फिर और जोड़ा बना दे, नौ बार लिखे, और इसको डिवाइड करें 37 से, तो हमारा उत्तर कितना आएगा। आपको क्या याद रखना है, आपको केवल एक भाग को याद रखना है, इतने भाग के बारे में आपको जानना है, इतने भाग के बारे में बात करें तो इसका उत्तर कितना आ रहा था, ध्यान दीजिएगा, ये कितना उत्तर आ रहा था, यहां पर मैंने बताया ना कि इनको आपको तीन अंकों की संख्या बनाना है, ठीक है, और संख्या बनाने के लिए क्या करना है, इनको आपको जोड़ना होता है, ठीक है, या फिर दूसरा तरीका भी बताने वाला हूं, या फिर लास्ट डिजिट को तीन से बस गुना करिए, केवल तीन से गुना करिए, ठीक है, एक अंक को, पांच को तीन से गुना कर दीजिए, या फिर पांच को तीन बार जोड़िए, मतलब तो एक ही है, तो इनको हम गुना करेंगे तो पंद्रह आएगा, यहां पर देखिए इसको हम गुना करेंगे तो पंद्रह आएगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया है कि ये जो पंद्रह आ रहा है ना, उसको आपको करना क्या होता है, ये जो पंद्रह आ रहा है, चलो मान लीजिए यहां पर पंद्रह आया, इसको तीन अंकों की संख्या बनाना है, तो सामने में आपको जीरो लगाना है। अब इसी संख्या को आपको तीन बार लिखना है, ये देखिए जो संख्या आया है उसको तीन बार लिखना है, और ये आपका आंसर आ गया, करके देख लीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अब देखिए हमें कोई भी संख्या दिया जाता है, मान लिया जाए इस प्रकार हमने 77 लिखा, ये लो चलो, ये लो चलो, तीन तीन छह और तीन नौ, डिवाइड करना है 37 से, चलो भाग देते हैं। हमको करना क्या है, हमारा उद्देश्य है इस तीन संख्या से मतलब है, ठीक है, इन तीन संख्या को हम जोड़ेंगे, सात एक सात, सात में चौदह, सात या 21, और ये दो अंकों की संख्या है, हमको बनाना है तीन अंकों की संख्या, सामने में एक जीरो लगाएंगे, क्योंकि ये तीन बार लिखा हुआ है, सात जो है इनका तीन बार जोड़ा बना हुआ है, तीन बार लिखा हुआ है, तो आपको करना क्या है, इसको भी इस प्रकार तीन बार लिख देना है, और आपका आंसर हो गया बिल्कुल। अब आप कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं, मोबाइल का प्रयोग कर सकते हैं, जिसका भी उपयोग करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। मान लिया हमने नौ को लिखा एक बार, दो बार, तीन बार, चाहे तो आप इसको चार बार, तीन तीन का जोड़ा बना रहे हैं भाई, है ना, तीन तीन का जोड़ा बनाया है, ये बार बार नहीं है, तीन तीन का जोड़ा, ठीक है, तो टोटल कितने बार आया है, ये बारह बार आया है, इनको आपको डिवाइड करना है भाई 37 से, उत्तर कितना आएगा मैंने बता रखा है, अब आप सीख गए होंगे। तो इस प्रकार का ट्रिक मैं हमेशा अपने वीडियो में बनाते रहता हूं, और निश्चित रूप से आप लोग इस प्रकार के ट्रिक को पसंद करते हैं। तो देखिए आप क्या करेंगे, नौ एक नौ, नौ दुनिया अठारह, नौ तीन 27, या फिर इस तीन को मल्टीप्लाई कर देना होता है तीन से, इस नौ को, जी इस नौ को तीन से मल्टीप्लाई करेंगे, नौ तीन 27, यहां पर पहला भाग कितना आया 27, क्योंकि दो अंकों की संख्या है, तीन अंक बनाने के लिए सामने में जीरो लगाएंगे। अब इसी को देखिए कितने बार जोड़ा बना हुआ है, एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार, तीन तीन का जोड़ा कितने बार, चार बार, तो एक तो ये हो गया, फिर आपको लिखना है, फिर आपको लिखना है, और फिर आपको लिखना है, जितने बार तीन तीन का जोड़ा है, चार बार तीन तीन का जोड़ा है, तो आपको इस प्रकार जोड़ा बना के लिख देना है, और दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। निश्चित रूप से एकदम यूनिक लगा होगा, ऐसे ढेर सारे गणित के ट्रिक होते हैं जिसको मैं बनाते रहता हूं, और इसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है, इस प्लेलिस्ट को जरूर देखिए, गणित का बेहतरीन ट्रिक है। ऐसे शानदार ट्रिक के लिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करिए और ऑल को टच करिए। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।